हे hey एवरीबडी मैं हूँ प्रांजुल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग आज के वीडियो में मैं आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि लॉ से रिलेटेड सारी कॉम्पटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल नेट जुडिशरी और जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है सबके लिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस तरह के और वीडियोज़ को पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने साथ एक पेन और पेपर रखिए और इन क्वेश्चन के साथ में अपनी प्रिपरेशन का सेल्फ असेसमेंट और टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर वन है कि हमें असर्शन और रीजन को रीड करना है और इसके बाद क्वेश्चन में जो कोड दिया हुआ है उसके थ्रू हमें आंसर करना है असर्शन यानी कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है असर्शन दिया गया है कि कोई अग्रीमेंट वॉइड होगा अगर उस अग्रीमेंट में जो दोनों पार्टीज हैं वो एक मिस्टेक ऑफ़ फैक्ट में है और वो जो मिस्टेक ऑफ़ फैक्ट है वो अग्रीमेंट के लिए इसेंशियल नहीं है नॉट इसेंशियल टू द अग्रीमेंट इसका रीज़न दिया गया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन ट्वेंटी ये बात कहता है इसलिए वो जो पर्टिकुलर अग्रीमेंट है वो वॉइड होगा अब देखते हैं कि हमें आंसर कहाँ से ढूंढना है ये हमारे पास कोर्ट दिया हुआ है इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि जो हमारा आर है वो करेक्ट है लेकिन ए इनकरेक्ट है सेकेंड ऑप्शन है जो रीज़न है आर है वो इनकरेक्ट है लेकिन असर्शन करेक्ट है ऑप्शन थर्ड बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर फोर बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट क्योंकि सेक्शन ट्वेंटी में ये बात कही है कि अगर दोनों पार्टीज मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हैं तो वो जो मिस्टेक है वो अग्रीमेंट के लिए इसेंशियल होना चाहिए और हमारे पास क्वेश्चन में जो टर्म है वो है नॉट इसेंशियल इसलिए असर्शन तो गलत है ही और क्योंकि सेक्शन ट्वेंटी में ये बात नहीं कही है इसलिए रीज़न भी गलत है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर क्योंकि असर्शन और रीज़न दोनों इनकरेक्ट हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिस्ट वन और लिस्ट टू में जो आइटम्स दिए गए हैं उन्हें करेक्ट आंसर के साथ में मैच करना है और इसमें भी हमें नीचे दिए हुए कोड्स का यूज़ करना है लिस्ट वन में हमारे पास चार चीज़ें हैं दैट इज लैब्स ऑफ ऑफर जनरल ऑफ़र कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एम्प्लाइड प्रपोजल लिस्ट टू में हमारे पास कुछ केस लॉज के नाम हैं फर्स्ट है वीक वर्सेस टाइबल्ड सेकंड हैंथॉर्न वर्सेस फ्रेजर थर्ड कॉफ़ी बोर्ड वर्सेस सीसीडी फोर्थ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त अब हमें इस लिस्ट में जो आइटम्स दिए गए हैं उन्हें इन केस लॉ से मैच करना है अब हम कोड्स देखते हैं हमारे पास हैं ए बी सी डी और ये जो ऑप्शन सही बता रहे हैं लिस्ट टू के आइटम्स अब हम देखते हैं कि लैब्स ऑफ ऑफर में इसमें से कौन सा केस लॉ एप्लीकेबल होता है तो वो केस है हेंथॉर्न वर्सेस फ्रेजर यानी कि ए के लिए सही ऑप्शन है यहाँ पे सेकंड। जनरल ऑफर का जो है वो है वीक वर्सेस टाइबल्ड कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल के लिए करेक्ट आंसर होगा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त और इंप्लाइड प्रपोजल के लिए होगा कॉफी बोर्ड वर्सेस सीसीडी तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री ए के लिए सेकेंड बी के लिए वन सी के लिए फोर्थ और डी के लिए थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्टेड कॉमर्स में कंसिडरेशन इज द रिकॉम्पेंस गिवन बाई दी पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू दी अदर ये एक डेफिनेशन है और हमसे ये पूछा गया है कि इस डेफिनेशन का एंट्रीब्यूशन हम किस को कर सकते हैं यानी कि यह डेफिनेशन किसने दी है ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन वन पलॉक ऑप्शन सेकेंड जस्टिस पैटरसन ऑप्शन थर्ड चोर वर्सेज फिफुट ऑप्शन फोर्थ ब्लैक स्टोन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ क्योंकि ये डेफिनेशन ब्लैक स्टोन ने दी है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन चारों स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है पहला स्टेटमेंट है एक्सेप्टेंस मे बी मेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड और इंडिकेटेड बाय दी ऑफरर सेकंड स्टेटमेंट है एक्सेप्टेंस टू बी मेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड और इंडिकेटेड बाय द ऑफरी थर्ड है एक्सेप्टेंस टू बी मेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड और इंडिकेटेड बाई द ऑफरर फोर्थ एक्सेप्टेंस नीड नॉट बी मेड इन दैनर प्रिस्क्राइब और इंडिकेटेड बाई दर तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वो उस पर्टिकुलर मैनर में होनी चाहिए जो कि ऑफरर प्रिस्क्राइब करता है और इसके लिए आप सेक्शन नंबर सेवन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रेफर कर सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर वन है वो है मे बी यानी कि वो मैंडेटरी नहीं बता रहा है लेकिन सेक्शन सेवन में लिखा है कि मैंडेटरीली ऑफरर द्वारा दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन और इंडिकेशन फॉलो होना चाहिए और यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुआ है हैज़ टू बी वो एक कंपल्शन को इंडिकेट कर रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर थ्री इज़ दी मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से केस लॉज डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से रिलेट करते हैं ए पैराडीन वर्सेस जेन बी टेलर वर्सेस कॉल्डवेल सी क्रेल वर्सेस हेनरी डी क्लिकलवुड प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेज लेटन्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड कोड हमारे पास है ऑप्शन नंबर वन सिर्फ ए वाला जो केस लॉ है वो रिलेट करता है टू डॉक्टर ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑप्शन टू ओनली ए एंड बी केसेस आर रिलेटेड टू डॉक्टर ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑप्शन थ्री ओनली ए बी एंड सी केसेस आर रिलेटेड टू डॉक्टर ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड ऑप्शन नंबर फोर ये चारों केसेस डॉक्ट्रेन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से रिलेट करते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर क्योंकि ये चारों केसेस में कहीं ना कहीं डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की बात की गई है डॉक्ट्रीन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन फिफ्टी में दिया हुआ है आप वहाँ जाके इसे रेफर कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से लिस्ट वन और लिस्ट टू में दिए गए आइटम्स को मैच करना है और उसके बाद जो कोड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर फाइंड आउट करना है लिस्ट वन में जो आइटम्स हैं वो है ए प्रपोजल बी इन्विटेशन टू मेक ऑफर सी कम्युनिकेशन ऑफ़ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बाय एक्सेप्टर हिमसेल्फ डी रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र लिस्ट टू में हमारे पास है कुछ केसेस के नाम ग्रेंजर सन वर्सेस गो सेकंड महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक पानन महासभा लिमिटेड वर्सेस मंगभाग चौधरी थर्ड हेंथॉर्न वर्सेस फ्रेजर फोर्थ पावल वर्सेस ली तो चलिए लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करते हैं प्रपोजल का जो करेस्पॉन्डिंग केस लॉ है वो दिया गया है इन महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास वाले केस में इन्विटेशन टू मेक ऑफर दिया गया है इन ग्रेंजर एंड सन वाले केस में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र वाला केस डिस्कस किया है इन पावेल वर्सेस ली और रिवोकेशन ऑफ ऑफर दिया है इन हिंथॉन वर्सेस फ्रेजर तो अब कोड के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर वन है उसमें ये सारी चीज़ें फिट बैठती है इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन है असोलेशन और रीज़न बेस्ड हमें असोलशन और रीजन को रीड करना है और अब उसके अकॉर्डिंग जो कोड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है इसका असोर्शन दिया गया है कि कंसिडरेशन के साथ अगर कोई अग्रीमेंट किया गया है तो वो वॉइड होगा जब तक कि वो राइटिंग में ना हो और रजिस्टर्ड ना हो

सेकेंड असरशन और रीज़न दोनों ही गलत हैं थर्ड असरशन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है ऑप्शन फोर्थ रीज़न सही है लेकिन असरशन गलत है तो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू बोथ असरशन एंड रीजन आर रॉन्ग क्योंकि सेक्शन ट्वेंटी फाइव सेक्शन वन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है कि अगर कोई अग्रीमेंट इज़ मेड विदाउट कंसिडरेशन तो जाके वो अवॉइड होगा अगर वो राइटिंग में ना हो और रजिस्टर्ड ना हो लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपने अग्रीमेंट किया है विद कंसिडरेशन तो इसलिए असरशन गलत हो गया और क्योंकि सेक्शन ट्वेंटी फाइव वन में स्पेसिफिकली लिखा है विदाउट कंसिडरेशन इसलिए रीजन भी गलत हो गया तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू दैट इज बोथ असरशन एंड रीजन आर रॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट है अ पर्सन हु रॉन्गफुली रिसाइन्स अ कॉन्ट्रैक्ट

तो वो कॉम्पन्शन के लिए एंटाइटल्ड नहीं है और इस कॉन्ट्रैक्ट के नॉन फुलफ़िलमेंट की वजह से उसे होने वाले डैमेजेस के लिए किसी प्रकार का कॉम्पेसेशन नहीं दिया जाएगा स्टेटमेंट नंबर थ्री ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने किसी कॉन्ट्रैक्ट को राइटफुली रिसाइन किया है तो वो कॉम्पनसेशन के लिए एंटाइटल्ड है और उस कॉन्ट्रैक्ट के पूरे ना होने की वजह से जो भी डैमेजेस उसे हुए हैं उसके लिए उसे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा स्टेटमेंट नंबर फोर ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने राइटफुली किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड किया है तो वो कॉम्पेसेशन के लिए एंटाइटल्ड है और उस कॉन्ट्रैक्ट के नॉन फुलफ़िलमेंट की वजह से उसे जो डैमेज नहीं हुआ है उसके लिए भी उसे कॉम्पेसेशन दिया जाएगा तो इन चारों में से जो तो सही स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर थ्री क्योंकि सबसे पहला स्टेटमेंट ने बात करी है कि कॉन्ट्रैक्ट रॉन्गफुली रिसाइंड किया गया है तो उस केस में आपको कभी भी कभी भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा सेकेंडली ये बात कर रहा है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट राइटफुली भी रिसाइंड किया है तो भी उसे कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है और ऑप्शन नंबर फोर्थ में वो ये कह रहा है कि अगर उसने राइटफुल रिसाइंड किया है तो उसे जो डैमेजेस नहीं हुए हैं उसके लिए भी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा तो इसलिए ये केस भी गलत है इसलिए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट हु इज़ ऑ ऑफ द एज ऑफ माइनॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट डिसक्वालीफाइड फ्राम कॉन्ट्रेक्टिंग बाई एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट सेकेंड स्टेटमेंट है हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज़ नॉट सब्जेक्ट एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड एंड इज़ नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रेक्टिंग बाई एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट नेक्स्ट है हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही सब्जेक्ट हु इज आफ साउंड माइंड एंड नॉट क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रेक्टिंग बाई एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट और लास्ट ऑप्शन है हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही सब्जेक्ट एंड हु इज आफ साउंड माइंड एंड इज़ नॉट डिस्कालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रेक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट तो इन चारों में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर फोर और ये क्वेश्चन रिलेट करता है विद सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसमें कि किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट करने की कॉम्पिटेंस की बात की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम हमें लिस्ट वन के दिए हुए आइटम्स को लिस्ट टू से मैच करना है लिस्ट वन में हमारे पास चार आइटम्स हैं दैट इज डू इन्फ्लुएंस मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड एंड मिस्टेक और लिस्ट टू में हमें कुछ करिस्पॉन्डिंग केस लॉज दिए गए हैं और हमें देखना है कि लिस्ट वन में से कौन से आइटम लिस्ट टू से मैच करते हैं पहला केस है नर्सरी एस एंड कंपनी लिमिटेड सेकेंड है जगन्नाथ वर्सेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थर्ड है लैंगशर लोन्स वर्सेज ब्लैक एंड फोर्थ है डेरी वर्सेज पीक तो सबसे पहले देखते हैं कि अंडू इन्फ्लुएंस का इसमें से कौन सा केस और रिलेट करता है तो वो है लैंकशेयर लोन्स वर्सेज ब्लैक मिसरिप्रजेंटेशन के लिए जो केस है वो है ये नर्सरी वाला फ्रॉड के लिए जो केस है वो है डेरी वर्सेज पीक और मिस्टेक के लिए जो केस है वो है जगन्नाथ वर्सेज स्टेट ऑफ इंडिया तो अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट कोड है वो है ऑप्शन नंबर थ्री तो ये थे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कुछ मोस्ट इम्पॉटेंट क्वेश्चन और अगर आपने अपना सेल्फ असेसमेंट किया है तो प्लीज़ अपना स्कोर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इस पैटर्न के और वीडियोस देखना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए नए वीडियोस लाती रहूं हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में बाय बाय